गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बनने वाला है आलू भाजा और मीठा थेपला। तो ये गुजराती स्पेशल कॉम्बिनेशन है। तो आज जे पण आपणे टिफिन में बनावाना छे शीतळा સાતમમાં તમે બનાવી શકો છો, કારણ કે એ વગર પાણીથી બને છે, તો એ ફ્રીજમાં 2 થી 3 દિવસ સારું રહે છે। तो आलू भाजा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे। तो इसकी स्लाइस ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, इस तरह से कट करेंगे। अब सबसे पहले हम मीठा थेपला के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी पानी लिया है और इसी कटोरी से हम एक कप गुड़ लेंगे। तो गुड़ मैंने देशी यूज़ किया है। अब उसी के साथ हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। अब पानी को हम उबाल आ जाए तब तक गर्म करेंगे, तो इसमें गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो उसी के साथ हम एक टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और यहाँ पर हम गैस की आंच बंद करेंगे। और उसी मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, तो वो भी ऐड करेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस आटे को मसल लेंगे ताकि आटा गर्म ना लगे। अब इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रहने देंगे और तब तक हम भाजा बना लेंगे। तो इसके लिए हम तेल गर्म करने के लिए रखेंगे और तेल थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। तेल गर्म हो जाए तो जीरा ऐड करेंगे। जीरा का कलर चेंज हो जाए तो सूखा लाल मिर्च ऐड करेंगे। करी पत्ता डाल देंगे और हींग ऐड करेंगे। अब इसमें आलू भी डाल देंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे धीमी आंच पर आलू सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लेंगे। और आज हम गाजर का संभारा बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने गाजर को इसमें कद्दूकस कर लिया है। साथ में थोड़ी सी हरी वाली मिर्च है जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप चाहे तो स्पाइसी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। हम आटे को भी अच्छे से मसल लेंगे। तो इस तरह से अगर हम गुड़ और पानी को अच्छे से गर्म करेंगे, उबाल आने तक गर्म किया होगा, और फिर हम इसमें आटा ऐड करेंगे और फिर पराठा बनाएंगे, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो मीठा थेपला बनाने के लिए हमने यहाँ पर डो लगा लिया है और जितनी साइज में आपको थेपला बनाना हो उसी के हिसाब से हम पेड़े बना लेंगे। और बीच बीच में हम सब्जी को भी चलाते रहेंगे। और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है। और संभारा की रेसिपी तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स नए भी होंगे तो वो रेसिपी देख सकते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि संभारा को किस तरह से खाया जाता है। तो संभारा को हम साइड डिश की तरह यानी कि सैलेड की तरह खाते हैं। और आलू को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे और यहाँ पर हम संभारा बना लेंगे। तो संभारा बनाने के लिए थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें सिर्फ राई और हींग का तड़का देंगे। अब सबसे पहले इसमें मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब गाजर भी ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और सिर्फ एक चुटकी जितनी हल्दी ऐड करेंगे। अब गाजर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो धीमी आंच पर इसे ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम संभारा को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे गाजर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हमारा संभारा रेडी है। तो गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा झटपट बनने वाला टेस्टी संभारा रेडी है। आलू को भी चेक कर लेंगे। आलू को अभी 2 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पर आलू अच्छे से पक गए हैं, तो उसी के साथ हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इससे हमारी सब्जी का कलर अच्छा होगा और भाजा का कलर रेड ही अच्छा लगता है और ये स्पाइसी नहीं बनेगी। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है,
लेकिन खाने में इसका क्रंच अच्छा लगेगा, तो थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आलू भाजा रेडी है, गैस बंद कर देंगे और इसमें नींबू निचोड़ेंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से बनाया गया आलू भाजा बहुत ही टेस्टी लगता है, स्पेशली ये स्वीट थेपला के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो आलू भाजा थोड़ा सा ड्राई होता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे मैंने आज नॉनस्टिक पैन में बनाया है ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए और भाजा टूट ना जाए। अब थेपला को भी हम बेल लेंगे। तो इसमें आपको सूखा आटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर भी थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल करेंगे और फिर से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। तो इसे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला इस तरह से बेल करके तैयार करेंगे। अब थेपला को घी या तेल लगाकर सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्ट मीठा थेपला रेडी है। तो इसी तरह से हम बाकी के थेपला भी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा थेपला बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारा थेपला बहुत ही अच्छा बना है। और सच में दोस्तों ये खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और ठंडा होने के बाद भी ये सॉफ्ट ही रहेगा। और साथ में रोटी भी बनाई है क्योंकि हस्बैंड को मीठा थेपला इतना पसंद नहीं है, लेकिन हम सास बहू को ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा बनाया है। तो आज जो हमने आलू भाजा बनाया है वो तिक्खा थेपला यानी कि मेथी थेपला या मसाला थेपला के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन थेपला मैंने कल ही बनाया था तो आज मैंने रोटी बना दी है। कल का टिफ़िन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, कल स्वीट रेसिपी शेयर की थी और कल टिफ़िन में सब रिपीटेड रेसिपी थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। और रोटी और थेपला को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरे पेपर फॉइल लिया है क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है सुपर टेस्टी आलू भाजा और ये है गाजर का संभारा और साथ में है छाछ। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मुझे भी आइडिया आएगा।